फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट की रहने वाली है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड्डियों की वीकनेस को कैसे दूर करें, दूसरी बात हड्डियों को कैसे मजबूत करें, नेक्स्ट बात हड्डियों के जोड़ है जो उनके अंदर जो ग्रीस पैदा होती है वो अगर खत्म होने लगे तो उसको दोबारा कैसे पैदा करें, इसके अलावा मांसपेशियों में कैसे जान डालें। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बता देती हूँ, अगर आपने 5 से 6 ग्राम से रोजाना लेना शुरू कर दिया तो आपकी जॉइंट की प्रॉब्लम जितनी भी है, घुटनों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, बॉडी के किसी भी जॉइंट में दर्द होना, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ये 5 से 6 ग्राम जो चीज आपने लेनी है उसमें सबसे पहले चीज है कोकोनट ऑयल, दूसरी चीज है दोस्तों मखाना, तीसरी चीज है आलमंड मिल्क और चौथी चीज है दोस्तों गिलोय। तो चलिए जान लेते हैं इनका इस्तेमाल आपने करना कैसे है। इन चारों चीजों का सेवन अगर आपने 15 दिन कर लिया तो फायदा क्या मिलेगा वो आपको बता देती हूँ। अगर आपको लंबे समय से हड्डियों में तकलीफ चल रही है, हड्डियां कमजोर हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है, ग्रीस खत्म हो चुकी है, हड्डियों से कड़कड़ की आवाज आती है, तो पहली चीज जो मखाना है उसमें कैल्शियम की कमी को दूर करने के गुण पाए जाते हैं। इसमें जिंक पाया जाता है जो कि उम्र बढ़ने के कारण जो याददाश्त कमजोर हो जाती है तो ऐसी समस्याओं को ये नहीं होने देता। इसीलिए इसमें जो जिंक और कैल्शियम है ये हमारे शरीर की भरपाई करता है। इसमें जो पाया जाता है मैग्नीशियम वो मांसपेशियों को ठीक और मजबूत रखने का काम करता है। इसके अलावा मखाने जो है हमारे लीवर को डिटॉक्स करते हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं। इसके अंदर पाया जाने वाला कैल्शियम हमारे बालों को भी मजबूत करता है और टूटने से बचाता है। इस्तेमाल कैसे करना है वो जान लीजिए। अपने मखाने को बिना किसी घी, बिना किसी तेल के रोस्ट कर लेना है, हल्का सा भून लेना है, रोस्ट कर लेना है और इसे किसी भी प्लेट में डाल दीजिए। 5 से 6 मिनट के बाद ये नॉर्मल सा ठंडा हो जाएगा और थोड़ा सा टाइट और कड़क हो जाएगा। इसे आपने पीस लेना है, मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेना है। इस्तेमाल कैसे करना है वो जरूर जान लीजिए। रोजाना सिर्फ आपने 1 गिलास गुनगुने दूध के अंदर 1 चम्मच भर के ये जो मिक्स किया हुआ ये पाउडर बना हुआ जो मखाना है इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, बात करते हैं दूसरी चीज यानी कि कोकोनट ऑयल की। इस नारियल के तेल के बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। अगर शरीर में कहीं भी सूजन आ चुकी है, किसी भी तकलीफ के कारण सूजन आ चुकी है तो ये उस सूजन को दूर करने का काम करती है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल हमारे दांतों को, मसूड़ों को हेल्दी बनाते हैं, पाइविया की समस्या को दूर करता है, जॉइंट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको दोबारा पैदा करने का काम करता है। इस्तेमाल कैसे करना है, जो खाने वाला कोकोनट ऑयल होता है, खाने वाला कोकोनट ऑयल अलग होता है, बालों में लगाने वाला अलग होता है, तो जो खाने वाला कोकोनट ऑयल है रोजाना आपने 1 चम्मच खाने वाला कोकोनट ऑयल गुनगुने पानी के अंदर मिक्स करके इस तरीके से आपको लेना है ताकि ये पूरा फायदा करे, किसी भी खाने या मील के साथ मिक्स करके नहीं लेना। दोस्तों, बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, वो है आलमंड मिल्क। बादाम के अंदर सेलेनियम और फास्फोरस होता है। हमारी हड्डियां के लिए कैल्शियम से ही मजबूत नहीं होती बल्कि कैल्शियम के साथ साथ हड्डियों की मजबूती के लिए सेलेनियम और फास्फोरस होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है, सेलेनियम भी होता है आलमंड मिल्क के अंदर, तो जो कि हड्डियों को मजबूत करता है बढ़ती उम्र के कारण जो हड्डियां कमजोर होना या याददाश्त कमजोर होने की समस्या आती है उसको भी दूर करता है। इसके अंदर जो सेलेनियम पाया जाता है वो हमारे ब्रेन की वीकनेस को दूर करता है, मसल की वीकनेस को दूर करता है। लेना कैसे है वो भी जान लीजिए। दोस्तों, जो आपने मखाने वाले दूध बनाया था उसी के अंदर अगर आप आलमंड का जो बादाम है उनका पाउडर बना लें और 1/2 चम्मच पाउडर इसी दूध के अंदर मिक्स करके अगर आप लेते हैं तो आपको 100% बेनिफिट मिल जाएगा। बार बार दूध पीने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, एक ही टाइम पर ले लीजिए, दिन में कभी भी। दोस्तों, लास्ट चीज ऐसी है जिसका इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो जिंदगी भर निरोग रहेंगे, वो है गिलोय। काफी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी दवाइयों से छुटकारा पा चुके हैं। दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम होता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करती है, नी पेन होना, जॉइंट पेन होना या बॉडी में कहीं भी सूजन होना, कैल्शियम की कमी होना, खून की कमी होना, इन्फेक्शन बॉडी में बहुत ज्यादा होना, ये सभी समस्याओं को दूर करती है। अभी स्वेलिंग किस कारण से आई है ये चीज जाने, तो हो सकता है किसी लोगों को यूरिक एसिड की समस्या हो या आर फैक्टर बढ़ रहा हो, तो इन सभी इन्फेक्शन के कारण या होने वाली सूजन को दूर करने के लिए रोजाना आपने गिलोय के टुकड़े का इस्तेमाल करना है। गिलोय का टुकड़ा लेना है आपने 3 से 4 इंच का, उसे किसी भी भारी चीज से कूट लीजिए, पानी में उबालिए, 1 कप तैयार हो जाए तो दिन में कभी भी इसका सेवन कर लीजिए, कमाल का फायदा मिलेगा। जरूरी नहीं
नहीं कि आप इसे किसी टेबलेट के तौर पर लें, जब आप इसे नेचुरल और एक जो इसकी डंडी होती है, बेल होती है, उसकी डंडी के अकॉर्डिंग इसका काढ़ा बनाकर लेते हैं तो इसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको गिलोय नहीं मिल पा रही, तो गिलोय की टेबलेट मार्केट से मिलती है, वो आपने जरूर लेनी। दोस्तों ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।